महानगर के थाना मंझोला अंतर्गत काशीराम नगर निवासी हृदय रोग से पीड़ित छविराम आर्य नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले दबंग व्यक्ति को भूमाफिया घोषित किए जाने की मांग उठाई है। अपनी इस मांग को लेकर पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सोमवार को SSP से मिले और एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि उसने विजेंद्री पुत्री सावरिया एवं रेवा देवी और रेखा निवासी गण मनकुआ मकसूदपुर तहसील ठाकुर द्वारा की अराजी कास्ट की भूमि गाटा संख्या 289 गत 10 नवंबर 2020 को पंजीकृत कराई थी। इसी अराजी का एक मुख्तारनामा जितेंद्र बहादुर उर्फ विक्की सोनी नामक व्यक्ति ने दिनांक 5 अगस्त 2020 को धोखाधड़ी से गाजियाबाद में करा लिया था, जिस कारण उक्त भूमि विवादित हो गई तथा मुकदमेबाजी शुरू हो गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह एक साधारण व्यक्ति है, जबकि उसकी जमीन का धोखाधड़ी करके बैनामा कराने वाला दबंग व भूमाफिया किस्म का आदमी है, जिसकी वजह से पूरा परिवार उससे डरा सहमा हुआ है। उसके द्वारा उसका लंबे समय से उत्पीड़न किया जा रहा है। उसे भूमाफिया से अपनी जान का खतरा बना हुआ है और आर्थिक तथा मानसिक रूप से भी परेशान है। मांग उठाई गई कि उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को भूमाफिया घोषित करके जेल भेजा जाए। प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित छविराम आर्य ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? छविराम आर्य। जी आर्य जी, क्या समस्या है आपकी, कहाँ से आए हैं आप? हम थाना मझोला काशीराम नगर मुरादाबाद से आए हैं। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये थाना मझोला क्षेत्र में जितेंद्र बहादुर और विक्की सोनी नाम का भूमाफिया मुझे काफ़ी समय से ब्लैकमेल कर रहा है और अब तक मुझसे 2 लाख रुपए ले चुका है और 3 लाख रुपए की और मांग कर रहा है और न देने पर मुझे परिवार सहित जान से मारने व मरवाने की धमकी दे रहा है, जिससे मेरा परिवार रोड पर आ चुका है और मैं कर्ज में दब चुका हूँ। आज मैं दर दर की ठोकरों में हूँ और एक एक रुपए से परेशान हूँ। आपने कोई शिकायत की इसकी? जी, मैंने इसकी शिकायत आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से की है। तो क्या चाहते हैं ये, आपके मकान पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं क्या? जी, इसने मेरे ही नहीं, इसने काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा है और काफ़ी लोगों को इसने ब्लैकमेल किया है। आपसे क्या चाहता है? मुझसे ये जमीन पर, मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। जब मैंने ज़मीन ली थी तो बिल्कुल सही थी और पाक साफ थी। उस ज़मीन का इसने पहले से भूमाफिया ने अपनी पत्नी के नाम गाजियाबाद ले जाकर गलत तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी करा रखी थी, जिसके आधार पर ये उस पर जबरदस्ती काबिज होना चाहता है। आज आप किससे मिले? आज हम SSP साहब से मिले। क्या मांग की आपने? हमने मांग की भूमाफिया की जाँच करा कर और इसे भूमाफिया घोषित कर जेल में भेजा जाए और इसने जितने भी लोगों की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं वह छुड़ाए जाएं। आपके पास क्या प्रमाण है, किस किस पर कब्जे करें? हाँ जी, मेरे पास ये देखिए, ये इसने सगे बहनोई के मकान पर कब्जा किया था